हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है फ्राइडे, तो अभी टाइम हो गया है 12:30, तो सॉरी 11:30। तो पहले चलना है, बेक माय केक पे शूट है, वहाँ वीडियोग्राफर आए अनंतनाग से, बुलाया उनको, वो पहुँच गए। अब जल्दी जल्दी हम भी जाते हैं क्योंकि उनको वेट नहीं ज़्यादा करा सकते, उनको दूर जाना है, फिर शाम को घर भी जाना है। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ बाइक पे कानिसपुरा, पहले वहाँ से साहिल बाइक उठाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, जाएंगे बेक माय केक पे। तो अभी फ़िलहाल सुबह सुबह बर्फ़ पड़ रही थी और अभी माशाल्लाह बर्फ़ भी ख़त्म हो गई है और कुछ जमा हो गई थी बर्फ़, वो भी पिघल गई है। तो फ़िलहाल सब ओके है, तो फ़िलहाल चलते हैं कानिसपुरा, तो फिर आपसे मिलते हैं। इसकी सीट पूरी गीली हो गई है, बैठ भी नहीं पाएगा बंदा, पूरी गीली है। बस स्टार्ट हो जाए आज। बिस्मिल्लाह, तेल है कि नहीं? तेल है। हाँ जी, तो फाइनली अभी पहुंच गए बेक माय केक, बेक माय केक नहीं, मिंट कॉम्प्लेक्स पहुंच गए पार्किंग एरिया में। अब चलते हैं ऊपर बेक माय केक। ये रहे अपने साहिल भाई। क्यों करा? कुछ नेड़ा, कुछ नेड़ा। आप तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं। शाहज़ेब भाई जी, क्या कहना चाहते हो आप? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज? मेरा एक्सपीरियंस तो मैं रोज़ ये काम करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। आप पहली बार आए मेरे सामने, तो मेरा बहुत ही ख़राब रहा। क्यों? बहुत बहुत ज़्यादा। क्यों? आप तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। सीख जाएंगे आप धीरे धीरे, मेरे साथ चलेंगे आप, इस सब का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। बाकी अभी शूट चल ही रहा है, दो तीन डिशेज़ का शूट हो गया। डन विद द लंच। लंच हो रहा है। ओह सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सोच रहा था आपके पास आऊं, शूट जा रहा था थोड़ा अब थोड़ा। हाँ जी, तो अभी शूट वगैरह ख़त्म हो गया है, तो वीडियोग्राफर भाई लोग अपने भी चले गए घर, तो उनको पुलवामा पहुंचना था शायद, ये अनंतनाग ऐसा ही कुछ, तो वो भी निकल गए। अब बचे साहिल और मैं, तो अब हमें थोड़ा बहुत आउटडोर शूट है, अगर हो पाया, अगर मौसम ने इजाज़त दी तो फिर हमें आउटडोर शूट है। देखेंगे, हाजी बल जाएंगे और कहीं, तो वहाँ थोड़ा बहुत आउटडोर शूट करना है हम दोनों को। तो फिलहाल अभी करते हैं वेट गाड़ी आने का, गाड़ी आ जाए उसके बाद हम चलेंगे। तो फिलहाल अभी आए हम यहाँ पे टॉप फ्लोर पे थोड़ा बहुत टहलने वगैरह, तो यहाँ से थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं उसके बाद चलेंगे। बास्केट वगैरह ले लिए शूट के लिए, तो फिलहाल चलते हैं, गाड़ी वहाँ पे वेट कर रही है, तो चलिए। हाँ जी, तो फाइनली अभी पहुंच गया शीरी को पार्क के पास, अब यहाँ शूट है बट मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बारिश पड़ रही है। अब देखते हैं क्या रहता है सीन।
Out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All on the ball. हाँ जी, तो अभी ये प्लान हो गया कि बाइक जो है अपनी ये यहीं हम रखेंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है, तो आप रखते हैं इसको फिलहाल यहीं पिछली बार की तरह, और चलते हैं अब लोकल ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं, कोई मेटाडोर वगैरह उसी में जाएंगे, सोमो मिली तो सोमो में ही, तो फिलहाल अभी चलते हैं। ये देख लो मेरे पीछे कितनी ज़्यादा बर्फ पड़ रही है, मुझे लगता है अगर ऐसी कंटिन्यू पड़ी ना एक दो दिन, एक दो फुट बर्फ़ जमा हो जाएगी। देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा पड़ रही है बर्फ़। अब मेटाडोर वगैरह देख लेते हैं, फिर चलेंगे हम घर, और मिलते हैं आपसे घर पे। Looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. Assalamu alaikum. पहले चलते हैं हम गुरजोत भाई के पास, ठीक है? झूठ बोल रहा है। इसको पता नहीं क्या हो गया, सुबह से कह रहा है झूठ कह रहा है झूठ कह रहा है। गुरजोत भाई के पास जाते हैं, थोड़ा हाल चाल पूछ के आएंगे। सरप्राइज सरप्राइज विजिट देंगे हम, सरप्राइज विजिट गुरजोत भाई को। आदाब जनाब भाई, क्या हाल है? क्या हाल चाल? गर्मी में हो यार, हम लोग गरीब लोग बाहर हैं बर्फ में। हाँ जी, तो फिलहाल खुजाबाग पहुंच गए, बर्फ देख लो, बर्फ रुक गई थी पहले तो फिर से चालू हो गई बर्फ, और बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब फटाफट से चलते हैं घर, गर्मी वगैरह कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे आराम से, ठीक है? बाय। बैक टू होम। ये देख लो। हाँ जी, तो अभी टाइम आ गया है 7:30 शाम के, तो मेरे को याद आया कि मुझे कुछ लाना था खाने के लिए, रात भर एडिटिंग होगी आज, तो इसलिए अब मैं निकला हूँ। फिलहाल भी देख ही सकते हो बर्फ़ कैसी पड़ रही है, मतलब खतरनाक वाली बर्फ़ पड़ रही है। अब ये जम भी गई है थोड़ी थोड़ी, मतलब जमा हो गई है थोड़ी थोड़ी, तो कुछ देख सकते हो नज़ारे। ये देख लो कपड़ों की हालत क्या हो गई है छाते के बावजूद भी, ये देख लो। ये देख लो भाई लोग, क्या दबा के बर्फ पड़ रही है कसम से। ये देखो मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई है। ये देख लो हाईवे के क्या नजारे हैं, ये कुछ हाईवे का सीन। हाँ जी, तो फाइनली अभी मैं घर आ गया हूँ, और आपने आज दिन को देखा कि कहाँ कहाँ शूट था हमारा। आउटडोर भी एक दो शूट थे, बट वो कैंसिल हो गए क्योंकि उसके बाद बारिश वगैरह पड़ गई और बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी उसके बाद, तो वो कैंसिल हो गया। बाकी इंडोर शूट मैंने आपको दिखा दिया कैसा गया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं किसी और व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।